हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉर्टॉइस ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स को जहां पर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फिलहाल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट देने के बाद फिलहाल ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ऐसे तीन स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमको ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जहां पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है एस्ट्रल लिमिटेड का। जैसे ही आप एस्ट्रल लिमिटेड के डेली चार्ट को ओपन करेंगे तो आप जैसा कि यहां पर देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस लाइन है जो लगभग आता है इन लेवल्स का 2032 का। इस रेजिस्टेंस लाइन को आपको चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक इस ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। वीक मार्केट में भी ये स्टॉक सस्टेन इस लेवल के ऊपर कर रहा है, तो यानी कि इस स्टॉक में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास आप बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा इस लेवल से 2% या 3% नीचे, यानी कि लगभग 2000 के लेवल्स का, और यहाँ से आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आवरली चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको लगभग इन लेवल्स पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई देगा। इस लेवल के ऊपर अगर आप स्टॉक जाता है तो भी आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उस समय आप ये जो ब्लैक लाइन है उसका आप रख लेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आए आवरली चार्ट के अंदर तो भी आप यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टॉक पे जहाँ पर हमको इसी टाइप से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट ओपन कर लेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर वीकली चार्ट को ओपन करना है। देखिए, सबसे पहले वीकली चार्ट को इसलिए ओपन करना है क्योंकि वहीं से आपको ये मालूम चलेगा कि स्टॉक का मेजर ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में दे रहा है। अब आप क्या करें, डेली चार्ट को ओपन कर लें। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि स्टॉक इस ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो 1949 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और सेम लेवल को आज रीटेस्ट भी स्टॉक ने कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप इसी लाइन का रख सकते हैं बिकॉज स्टॉक ने इसको रीटेस्ट भी कर दिया है। अगर आप यहाँ पर सेम अगर आवरली चार्ट के अंदर सेटअप को देखें तो आवरली चार्ट में ये रेजिस्टेंस बनेगा लगभग इन लेवल्स का जो आता है लगभग 2008 का। तो 2008 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे तब आप वहां पर एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आवरली चार्ट के अंदर और स्टॉप लॉस आप रख लेंगे लगभग 1952 का। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो या फिर ट्रेड हो वो डेली चार्ट के हिसाब से होगा। अगर आप आवरली चार्ट के हिसाब से लेंगे तो आपको आवरली चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करते रहना है और स्टॉप लॉस को और अपने टारगेट्स को उसी हिसाब से ट्रेल करना है। तो आवरली चार्ट के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 2008 का, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब आप यहाँ पर बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टॉक पे जहाँ पर हमको एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट को जैसा ही आप ओपन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन लगा हुआ है, ये ऑल टाइम हाई लेवल का स्टॉक का लाइन है। इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर स्टॉक इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया और तब से स्टॉक पॉजिटिव बना हुआ है। हमको ऐसे ही स्टॉक्स चाहिए ट्रेड करने के लिए क्योंकि जिस स्टॉक में मोमेंटम है वहीं पर आपको रिटर्न्स बनने के चांसेस हाई होते हैं। ऐसे स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेंगे जहां पर पॉजिटिविटी नहीं है, यानी कि जहां पर वीकली चार्ट स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर आपके ट्रेड फेल होंगे, वहां पर आपके कोई खास रिटर्न्स नहीं बनेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके डेली चार्ट को ओपन कर लेंगे। डेली चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, वो आता है लगभग इन लेवल्स का। इसको स्टॉक ने आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर अब यहाँ पर आप आवरली चार्ट को ओपन करेंगे तो आवरली चार्ट में भी स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो आप यहाँ पर भी एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर रखना होगा जो लगभग 274 का होगा अगर आप आवरली चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा लगभग इन लेवल्स का जो आता है 261 का। तो ऐसे स्टॉक्स में जहां पर वीकली चार्ट पॉजिटिव है
वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जिस स्टॉक में मोमेंटम है वहीं पर आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस हाई होंगे। अगर आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड लेते हैं जो कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा है तो आपको कोई खास रिटर्न्स बनने के चांसेस नहीं होते हैं। तो किसी भी स्टॉक में जब आप ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके वीकली चार्ट के ट्रेंड को चेक कर लें। अगर वीकली चार्ट उस स्टॉक का पॉजिटिव है तब आप उसके डेली चार्ट में एंटर कर जाइए और डेली चार्ट में आप ब्रेकआउट खोजिए। अगर डेली चार्ट में कोई ब्रेकआउट है तब आप वहाँ पर वापस से आवरली चार्ट में एंटर कर सकते हैं। आवरली चार्ट में ब्रेकआउट देखकर वहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेंगे, यानी कि अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो डेली चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप आवरली के हिसाब से ले रहे हैं तो आवरली के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस को रखना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।